नमस्कार मैं राजकुमार कोरी सर्वोच्च दर्पण हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आइए चलते हैं खबर की ओर प्रखंड के मोर संड पंचायत के वार्ड नंबर दो और बारह में सड़क पर लगे जल नाला निर्माण कर जल निकासी करने की मांगों को लेकर शहीद ए आजम भगत सिंह अंबेडकर विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रतिरोध मार्च सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता मिश्री पासवान कृष्ण कुमार अरुण कुमार प्रसाद सिंह कामेश्वर राय के नेतृत्व में निकाला जो विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए ठहरा पंचायत के वार्ड नंबर तेरह सीमान के सड़क पर पहुंचकर सांकेतिक सड़क हड़ताल के बाद सभा में तब्दील हो गया सभा को संबोधित करते हुए शहीद ए आजम भगत सिंह अंबेडकर विचार मंच के जिला संयोजक राम कुमार ने कहा कि विगत कई वर्षों से सड़क नीचे और जल निकासी होने वाले पुलिया को जाम होने से सड़क पर कई वर्षों से काफ़ी समय तक बरसात का पानी लगा रहता है जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है लेकिन प्रशासन के द्वारा जल निकासी करने के दिशा निर्देश में किसी तरह कोई पहल नहीं किया गया यदि पंद्रह दिनों के अंदर कई वर्षों से सड़क पर लग रहे जल निकासी के लिए नाला निर्माण करने के निर्देश में पहल नहीं होती है तो संगठन चरणबंध आंदोलन चलाएगी जिसकी सारी जवाबदेही प्रशासन पर होगी आयोजित मार्च व सभा में रामलाल दास दिनेश दास धर्मेंद्र पासवान राजेंद्र दास शंकर दास राजेश कुमार बिरजू कुमार दास राम प्रसाद दास नुन्नू दास राम इकबाल दास अनंत कुमार राम जुलूम दास नारायण दास सत्तो दास उमेश दास ललिया देवी हरिदास विकास दास भगवान लाल दास रिंकी कुमारी मुख्य लाल कुमार धनेश्वरी देवी सरस्वती देवी अनीता देवी पूजा कुमारी कंचन देवी रिंकू देवी शोभा देवी रंजीत कुमार विजय दास सोनू कुमार रेखा देवी किरण कुमारी विश्वकर्मा विश्व कुमारी साकेत सैकड़ों कार्यकर्ता ने भाग लिया संवाददाता राशिद परवेज की खास रिपोर्ट करना होगा, करना हो करना होगा करना होगा करना होगा जल निकासी की व्यवस्था करना होगा करना होगा करना होगा इंकलाब जिंदाबाद 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 जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं पूछा प्रखंड प्रशासन जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब तुमको देना होगा देना होगा देना होगा जवाब तुमको देना होगा देना होगा देना होगा फोटो ले लो फोटो डॉक्टर साहब